केंद्रातील युपीएचा भ्रष्ट सरकारात महाराष्ट्रातील कृषी मंत्री होते. तेथे शेतकऱ्यांसाठी पॅकेज जाहीर केले जायचे, मात्र शेतकऱ्यांना कधीच थेट लाभ मिळाला नाही. शेतकऱ्यांच्या नावावर दिल्लीतून जाहीर होणारे पॅकेज मध्येच लुटले जात होते. असा घनघनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांचे नाव न घेता बुधवारी येथे केला. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांकडे आता डबल इंजिन सरकारची डबल इंजिन गॅरंटी असल्याचे त्यांनी सांगितले. आज मी एक बटन दाबले की आणि लाखो शेतकऱ्यांच्या खात्यात 21,000 कोटी रुपये क्षणार्धात पोहोचले. हीच माझी गॅरंटी आहे. जर काँग्रेसचे सरकार दिल्लीत असते तर त्यांनी 21,000 कोटींपैकी 18,000 कोटी खाऊन टाकले असते, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यवतमाळ येथे आयोजित कोट्यवधींचा विकास कामाचे लोकार्पण तसेच विविध योजनांचे निधी वितरण समारंभ प्रसंगी बोलत होते. साथियों, मैं 10 साल पहले चाय पर चर्चा करने यवतमाल आया था तो आपने बहुत आशीर्वाद दिया और देश की जनता ने एनडीए को 300 पार पहुंचा दिया. फिर मैं 2019 में फरवरी के महीने में ही यवतमाल आया था, तब भी आपने हम पर खूब प्रेम बरसाया. देश ने भी तब एनडीए को 350 पार करा दिया और आज जब 2024 के चुनाव से पहले मैं विकास के उत्सव में शामिल होने आया हूं, तब पूरे देश में एक ही आवाज गूंज रही है, अब की बार मैं यहां अपने सामने देख रहा हूं इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें हमें आशीर्वाद देने आई हैं. इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है. गांव गांव से मैं इन माताओं बहनों को विशेष रूप से प्रणाम करता हूं. जिस प्रकार यवतमाल, वाशिम, चंद्रपुर सहित पूरे विदर्भ का असीम आशीर्वाद मिल रहा है, उसने तय कर दिया है एनडीए सरकार 400 पार. CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर.